पन्ना जिले की रेत खदानों के मार्ग पर स्वीकृत रेत खदान से 2 किलोमीटर दूरी पर प्राइवेट बैरियर लगाकर बंदूकधारी गुर्गे तैनात करने का मामला सामने आया। जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में रेत माफियाओं द्वारा अवैध पुल बनाकर रेत का परिवहन करने के मामले सामने आए थे, जिसे कलेक्टर मनोज खत्री व पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने ध्वस्त किया, जिसे रेत माफियाओं पर लगाम कसने की दिशा में ठोस कदम माना गया। लेकिन अब रेत माफिया अपनी स्वीकृत रेत खदान से 2 किलोमीटर पहले अवैध बैरियर लगाकर मनमानी कर रहे हैं। इनके अवैध बैरियर की निगरानी बंदूकधारी गुर्गे करते हैं और इस बैरियर पर इन्हीं का राज चलता है। इनकी मर्जी मुताबिक ही बैरियर खुलता है और बंद होता है। बैरियर से आने जाने वालों की तलाशी ली जाती है एवं उनकी पहचान पश्चात उन्हें अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। इस बैरियर से क्षेत्र के रहवासी और किसानों को खासी दिक्कत होती है। एमपी न्यूज नेटवर्क ने शनिवार को इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो उन्हें बीरापुर के पास ऐसा ही एक अवैध बैरियर दिखाई दिया, जिसमें तैनात बंदूकधारी ने आने जाने वाले लोगों को बैरियर से निकलने की एंट्री बैन की गई थी। इन खदान माफियाओं ने क्षेत्र के किसानों की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। किसान राजा राम यादव ने बताया कि उसकी 10 एकड़ भूमि पर खदान माफिया ने अवैध कब्जा कर लिया, जिससे वह खेती नहीं कर पा रहा है और पूरा परिवार मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। खदान संचालक द्वारा उसे मात्र 10,000 रुपए दिए गए, जो ना काफी है। डार के बटैया बस बारू सब डरी है, हमारे यहाँ कुछ नहीं। लड़का मंजूरी करत फेरा से। कितनी जमीन है तुम्हारे पास? 21 बीघा जमीन है हमारी। तो 21 बीघा जमीन में तो किसने ये तुम्हारी जमीन में बालू डाल दी? बालू बस भर रो मचाए हैं, जबरदस्ती डाल रहे। कौन डाल रहा है? बिपुल। कहाँ के हैं? खजरा है। क्या नाम है उनका पूरा? बिपुल वाजपेयी। कहा थे तो तुम्हें अपनी इस जमीन का मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा कहाँ मिला। इस वक्त किसकी खेती चल रही, किस चीज की? क्यों किस फसल की खेती कर रहे हैं अभी? अभी यहाँ क्या कर रहे हैं, बट्टी हैं है? और ऊपर बताऊं कि यहीं की बताओ जमीन में। बस ये जमीन क्या है, बट्टी और बालू की खेती कर रहे हैं। बालू की खेती कर रहे हैं बस, कई 4 पीढ़ी से होगी। अच्छा। बस ये है कर। आपने तो, मना किया तो क्या बोला? और हमने मना किया कि हमको यहाँ से नहीं निकलने देना है, तो कहते यहाँ सरकारी है, हमको यहाँ से बनाना है, मुझको मारना हो मारो। और तुम्हें कुछ भी नहीं दिया मुआवजा? फिर बाद में जब हम छियाके लागे लड़ी गए, ठाड़ हो गए कि हम भैया चाहे कछ राय दिया, हम मारे कहो मारा पे मुआवजा दिया, तो फिर 10,000 रुपया उनने कहन दे के लाने मिल गए। हाँ फिर दे दिए। तो 10,000 में खुश हो? कहा खुश है ना, जबरदस्ती है, शायद है ना इसे छिटकी डारी है। अच्छा तो 21 बीघा जमीन में कोई खेती नहीं हो रही है? कोई खेती नहीं। तो खेती में क्या खुश हो तुम इसमें 10,000 में के, और क्या चाहिए तुम? अब कहा खुश है, हमें और चाहिए 10,000 में। इस तरह क्षेत्र में खनन माफियाओं की दबंगई से क्षेत्र के किसान एवं रहवासी परेशान है। हालात यह है कि इनके बंदूकधारी गुर्गे और दबंगई के कारण कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। ऐसे में प्रशासन को स्वयं आगे आकर कार्यवाही करने की जरूरत है। पन्ना से राकेश पाठक की रिपोर्ट।